नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। आइए दोस्तों, आज सी प्रोग्रामिंग का जो वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जो प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं, आप उसको थोड़ा सा एनहांस करते हैं और थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। और आज आपको जो प्रोग्राम बनाना है वो फाइंड द सम ऑफ एन नंबर्स इन सी लैंग्वेज। दोस्तों मान लीजिए आप चार नंबरों को जोड़ना चाहते हैं, दस नंबरों को जोड़ना चाहते हैं, तो उसका प्रोग्राम कैसे बनेगा ये यहाँ पर हमारी वेबसाइट पे दिया हुआ है। आप इसको जाकर यहाँ से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकते हैं ये कैसे काम कर रहा है। मैंने इसको कॉपी कर लिया है और लेकर चलता हूँ आपको कोड ब्लॉक पर, जहाँ पर ये प्रोग्राम बनेगा। ये देखिए दोस्तों, ये 15 लाइनों में ये प्रोग्राम दिख रहा है आपको। मैं सीधा सीधा आपको समझाना शुरू करता हूँ। ये मेन फंक्शन चल रहा है अब दोस्तों, क्योंकि हमें यहाँ जो वेरिएबल लेने हैं उसको बड़े ध्यान से आपको देखना होगा, क्योंकि सारी कैलकुलेशन इंटीजर होनी है। तो ये जो आपको चार वेरिएबल दिख रहे हैं एन नाम का, ये देखिए, और मैं आपको यहाँ हाईलाइटर से दिखा देता हूँ। आप यहाँ देखिए, एन आपको दिख रहा है, सम इक्वल्स टू ज़ीरो दिख रहा है। इक्वल्स टू ज़ीरो देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी जो एडिशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए दोस्तों। अगर आप यहाँ पर सम में अगर इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं देंगे और कोई भी गार्बेज वैल्यू यहाँ पर कंसीडर होती है तो आपके कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है। अब जब आप जानते हैं कि कैलकुलेशन ही होना है तो इक्वल्स टू ज़ीरो दे दीजिए। एक सी ले लिया है हमने लूप को चलाने के लिए, ज़्यादातर आई लेते हैं लोग, क्योंकि मैंने काउंट शब्द का इस्तेमाल सोचा था तो सी ले लिया है। और वैल्यू ले ली है हमने, जो कि जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर इंसर्ट होती चली जाएगी। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, प्रिंट एफ में हमने बोल दिया है कि एंटर द नंबर यू वांट टू ऐड। आप जो भी नंबर ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। तो सामने वाला मान लीजिए यहाँ पर चार एंटर करने वाला है, तो जैसे ही वो चार नंबर एंटर करेगा तो ये n आप देख रहे हैं, इस n के अंदर चार वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब हमने कहा कि ये जब आप चार आप चाहते हैं कि चार तरीके की चार अलग अलग इंटीजर वैल्यूज़ आप देंगे वो देना शुरू कीजिए। तो सातवें नंबर की लाइन चलेगी जिसमें लिखा है प्रिंट एफ एंटर, ये जो परसेंटेज डी है मतलब चार इंटीजर्स। तो अब आप चार इंटीजर्स को जैसे ही प्रिंट करना शुरू करेंगे तो ये आप लूप देख रहे हैं, वन से चल रहा है, कहाँ तक चलेगा, इसके बराबर तक, और इसके इससे जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, इक्वल्स टू का साइन लगा है। तो मैं यहाँ पर मान लीजिए पहली वैल्यू दे रहा हूँ दो, ये मैंने दो पहली वैल्यू दे दी है, तो दो चलेगा, ये यहाँ पर स्टोर होगा और वैल्यू के अंदर आ जाएगा, और वैल्यू के अंदर जो भी चीज़ होगी वो प्लस इक्वल्स टू होकर सम के अंदर आ जाएगी। फिर ये लूप चलेगा, प्लस प्लस होगा, अब सी की वैल्यू टू हो जाएगी, दूसरी वैल्यू मांगेगा, तो दूसरी वैल्यू मान लीजिए मैंने दे दी है तीन, तो ये तीन आएगा और ये तीन वैल्यू के अंदर जाएगा। यहाँ पर प्लस इक्वल्स टू होने के बाद ऑलरेडी सम में दो दे रखा था, तीन आएगा तो अब हो जाएगा पाँच। जैसे ही लूप प्लस प्लस होगा तीसरी बार चलेगा, चलना कब तक है, चार बार, क्योंकि हमने इंटीजर की वैल्यू दी है चार। अब मैं यहाँ पर दे रहा हूँ चार, ये मैंने चार दे दिया है, ये चार आएगा, ये वैल्यू से यहाँ पर स्टोर होगा, जैसे ही वैल्यू के अंदर आएगा सम के अंदर ऑलरेडी इन दोनों का सम है तो पाँच होगा, और मैं यहाँ प्लस इक्वल्स टू दे रहा हूँ तो ये इस पर असाइन होने से पहले ही सम होने वाला है। और अब चार भी सम हो जाएगा दोस्तों, तो इनका सम आने वाला है नौ, तो अब नौ सम के अंदर आ गया है। एक बार फिर से लूप चलेगा, प्लस प्लस होगा क्योंकि चार बार वैल्यू लेनी है, तीन चल गई हैं। अब जैसे ये वैल्यू आएगी दोस्तों तो सी की वैल्यू हो जाएगी चार, तो चार एन के अंदर भी चार दे रखा है, चार चार से छोटा नहीं है लेकिन बराबर है, इस बार भी वैल्यू चलेगी। और इस बार जो भी हम वैल्यू ले रहे हैं, मान लीजिए मैं फिर से दो ले लेता हूँ, तो ये दो आएगा, यहाँ सम के अंदर नौ दे रखा था, प्लस इक्वल्स टू होगा, तो अब जो वैल्यू कंसीडर होगी वो दो के साथ सम के अंदर हो जाएगी ग्यारह। और जब नेक्स्ट टाइम प्लस प्लस चलेगा तो अब हमारा सी की वैल्यू होने वाली है पाँच, हमने यहाँ पर वैल्यू दी थी नंबर में चार, तो अब पाँच जो है छोटा नहीं है चार से, ना उसके बराबर है, तो ये कंडीशन, ये जो है आपका लूप है जो यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद हम बाहर आ जाएंगे और हम प्रिंट करा देंगे सम ऑफ द गिवन नंबर इज परसेंटेज डी, और सम के अंदर जो 11 आ गया था वो इस तरीके से यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। हमने रिटर्न ज़ीरो करा दिया है। मैं अब इस प्रोग्राम को आपको चला के दिखाता हूँ दोस्तों, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा जो मैंने आपको बताया। ये हम यहाँ से रन और बिल्ड कर रहे हैं, और दोस्तों हम वही वैल्यू लेंगे जो मैंने आपको प्रोग्राम, ये देखिए हम पहले ले रहे हैं चार, मतलब चार हम ऐड कराना चाहते हैं नंबर। जैसे ही मैं एंटर करूँगा
तो सातवें नंबर की लाइन चलेगी और उसमें लिखा आ जाएगा कि लाइए चार इंटीजर दीजिए। तो पहला इंटीजर हमने दिया था दो, तो ये हमने दो दे दिया है। दूसरा इंटीजर हमने दिया था तीन, ये हमने तीन दे दिया है। तीसरा इंटीजर दिया था हमने चार, ये हमने चार दे दिया है। और चौथा इंटीजर हमने दिया था फिर से दो, तो ये हमने दो दे दिया है। अब हमने जैसे ही इसको एंटर किया तो यहाँ पर आ गया सम ऑफ द गिवन नंबर इज़ 11। ये दोस्तों 11 कैसे आया मैंने आपको पूरे प्रोग्राम में समझा दिया है। मैं एक बार और रन करके ये प्रोग्राम आपको दिखाऊंगा। और इस बार हम 5 वैल्यू ले लेते हैं, आप 10 भी ले सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। मैं यहाँ पर 5 लेकर दिखा देता हूँ। अब 5 नंबर ऐड होंगे, तो ये देखिए मैंने पहला दिया 10, दूसरा दिया 20, तीसरा दिया 30, 40, 50। जैसे ही हमने दोस्तों इसको एंटर किया तो पांचों नंबरों का ये सम आप देख रहे हैं आपके प्रोग्राम में आ गया है। सम ऑफ द गिवन नंबर इज़ 150। तो दोस्तों ये बड़ा आसान सा तरीके से मैंने आपको समझाया है और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। अच्छा प्रोग्राम था, लॉजिक बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम था। यहाँ से एक नया आइडिया क्रिएट होता है और हम अब खुद निकाल सकते हैं कि मान लीजिए जो मैंने 5 वैल्यू ली इसमें मैं ग्रेटेस्ट निकालना चाहता हूँ, तो मुझे एक कंपैरिजन और बढ़ाना है। और लूप के अंदर ही मैं यहाँ चेक करता चला जाऊँगा कि कौन सा ग्रेटेस्ट है प्रीवियस से। और एक ही प्रोग्राम में अगर मेरे को ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, लोएस्ट, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट जो भी निकालना है वो सभी मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ। आप भी निकालने की कोशिश कीजिए। एक एक लाइन के लॉजिक और ऐड होंगे इस प्रोग्राम में और आप वह प्रोग्राम भी बना पाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रोग्राम बिगनर एंड से, अब हम क्योंकि थोड़ा थोड़ा एडवांस चलना शुरू कर रहे हैं, समझ आया होगा। आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, अगर किसी भी लाइन में अटक जाते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ पर भी रिप्लाई दूंगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।